नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बड़ी ताज़ा खबर के साथ। तो प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने लाए हैं। तो क्या ये तमाम खबर रहेगी कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई, आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं विस्तार रूप से इस खबर को। तो हिमाचल कैबिनेट बैठक में बजट घोषणाओं को मिल सकती है मंजूरी, बढ़ेगी कोरोना बंदिशें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इसमें कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मास्क न पहनने वालों पर सख्ती से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। वहीं इसमें सीएम जयराम ठाकुर अपनी अब तक लागू नहीं हो सकी बजट घोषणाओं पर भी अपनी मंजूरी देंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 28 जुलाई को राज्य सचिवालय के बाहर कहा था कि अगली कैबिनेट में एसएमसी शिक्षकों को कैजुअल और मेडिकल लीव देने का मामला ले जाएंगे, इसलिए यह एजेंडा भी मंत्रिमंडल की बैठक में जाएगा। इसमें आगामी 10 से 13 सितंबर के बीच प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों के ड्राफ्ट पर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा प्रदेश भर में विभिन्न स्वास्थ्य, शिक्षण और अन्य संस्थानों के स्तर उन्नयन के बारे में भी निर्णय हो सकते हैं। दूसरी ओर बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक हफ्ते में दूसरी कैबिनेट बैठक बुला ली है। सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है, ऐसे में बैठक में ऐसे तमाम मसलों पर चर्चा होगी जो इन दिनों मुद्दे बने हुए हैं। तो यही है बड़ी खास खबर कि आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 10:30 बजे आयोजित की जा रही है। तो इस बैठक में कई बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। तो अभी के लिए यही है बड़ी खास खबर। तो जैसे ही कोई बड़ी कैबिनेट बैठक से बड़ी खबर आएगी तो आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।